हेलो एवरीवन। तो यार सीबीएसई टर्म वन के एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं, आप सभी की यार टर्म टू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ आप सभी के दिमाग में अभी डेट शीट को लेकर के, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, और क्या हमारे जो एग्जामिनेशंस है टर्म टू के वो कैंसिल होंगे या ऑनलाइन होंगे, ये जो है आप सभी को ना पता हो तो बहुत बड़ा एक डिस्कशन हो चुका है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी एक अपडेट आ चुकी है कि आप सभी का जो एग्जामिनेशंस है वो कब हो सकता है और किस मोड में होगा। ये अभी सबसे ज़्यादा मैटर करता है आप सभी के लिए, क्योंकि आप जो हो आपको जब तक पता नहीं चलता, या कोई भी हो, कोई बच्चा भी है, जब तक उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता तब तक वो पढ़ने नहीं लग जाता है। ठीक है, वो मैं जानता हूं, मैं भी आप ही सब की तरह हूं यार। तो इसीलिए जाकर के आप सभी को जो सारे डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग करते नहीं हो यार, वीडियो सारी देख रहे हो आप लोग, लेकिन करते नहीं हो, कर लिया करो थोड़ा सा। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आप सभी का जो सबसे बड़ा अभी मुद्दा है कि डेट शीट, भैया पहले ये बता दीजिए एग्जाम कब होगा, फिर बताना कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सब्जेक्टिव, एमसीक्यू, ये सारी चीज़ उसके बाद बताइएगा। चलो चलो यही बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखो यार, आप सभी का जो डेट शीट है उसका जो ऑफिशियली बात आई है वो है कि जैसे ही आपके रिजल्ट डिक्लेयर्ड होंगे, ठीक है, क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर्ड होंगे, चाहे वो 10 तारीख को हो जाए, चाहे वो 7 को हो जाए, जब भी हो जाए, जैसे ही डिक्लेयर्ड हो जाएंगे, देन जा करके आप सभी का जो है डेट शीट उसके कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली डेट कहूं तो 20-25 तारीख के अप्रोक्स आप सभी का डेट शीट आने का बहुत ज्यादा हाई चांस है। ठीक है, इसकी कोई भी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियली है कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही डेट शीट आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ये पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी बात पे आते हैं यार कि कैंसिल की बात, जो कैंसिल अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्या कैंसिल होंगे यार, ये सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, या ऑनलाइन होंगे। देखो अभी का सिनेरियो अगर देखा जाए, जिस हिसाब से चल रहे हैं, केसेस बढ़ जा रहे हैं यार, दिल्ली में आप सभी को पता इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र और मैं कहां कहां के नाम लूं यार, हर स्टेट के नाम लेने लग जाऊं, तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। इन केस को ते हुए देखकर आप सभी को यार बताना चाहूंगा कि आप सभी के जो एग्जाम है, तो सभी से पहले यार डियर लर्नर्स, आप सब एक फ्रेश ईयर में एंटर कर चुके हो, ईयर 2022। नेक्स्ट 365 डेज में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अपने ड्रीम्स या गोल्स को अचीव करने के लिए। आपको अपने चॉइसेस से सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है एंड पहला कदम बढ़ाना है अपने गोल की तरफ। इसमें आपकी हेल्प करेगा अनअकैडमी। अनअकैडमी लाया है आप सबके लिए स्पेशल 22% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन ऑफर। यह ऑफर 1-3 जनवरी तक के लिए ही वैलिड है, जिसमें अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 22% ऑफ पर। इसके साथ ही साथ अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर द क्लास 7-8 IIT JEE एंड नीट UG के स्टूडेंट्स के लिए। द अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड जीतने का। ये 1 घंटे का टेस्ट 23 जनवरी, 29 जनवरी, 6 फरवरी एंड 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, अप टू 20 लाख। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी एंड 13 फेब को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड है। इसके अलावा मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि आपको टेस्ट का बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी। 15 जनवरी से आप 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, मेरा कोड ट्राइटन यूज करें और फ्री में इसमें अभी जा करके एनरोल। सिचुएशन है यार, इस सिचुएशन के हिसाब से आप सभी के जो एग्जाम्स है वो ज्यादा उम्मीद जो लग रही है अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए वो लग रहा है कि ऑफलाइन में एमसीक्यू या ऑनलाइन मोड, ठीक है, इन दोनों में से आप सभी के चांसेस हैं। ऑफलाइन में एमसीक्यू उसके बहुत कम चांसेस, अगर मैं कहूं तो 20-30% है ऑफलाइन में, और 60-70% है आप सभी का कि ऑनलाइन में जो ज्यादातर चांसेस है, यानी कि ऑनलाइन करवाने का, ऑनलाइन कंडक्ट होने का, ये बहुत ज्यादा हाई चांस है। जहां तक बात रही कैंसिल की, तो कैंसिल यार उस सिचुएशन में होगा जब जाकर के बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा कोविड हो जाएगा। आप सभी को पता यार कि आप कितनी ज्यादा बुरी हालत होती है लॉकडाउन में, आप घर पे रहते हो, आप कुछ कर नहीं पाते, बाहर नहीं जा पाते, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन, बहुत सारे बच्चों को टेंशन, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। जिस बच्चों के साथ ये चीज हुई होगी उनके लिए यार बहुत बुरा लग रहा होगा, जिनके साथ नहीं हुई है यार ना ही हो ऐसी चीजें, क्योंकि जिनको फेस करना पड़ता है वो लोग ये चीजें समझते हैं। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है बच्चों को घर पे बैठे बैठे, पेरेंट्स का जो है यार मतलब जॉब वॉब की टेंशन हो जाती है कि नहीं है, फिर बच्चे का और प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए जाकर के आप सभी का जब ऐसा कुछ सीन होगा
होगा, तब जा करके ये सिचुएशन देख करके सीबीएसई जो है पेपर को कैंसिल करवाएगी। लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से आप सभी का जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो सकता है एंड देन जा करके ऑफलाइन में एमसीक्यू हो सकता है। सब्जेक्टिव कब होगा? जब जा करके ज़्यादा मतलब कुछ टेंशन नहीं होगी बच्चों को, मतलब कभी मतलब ऐसा है कि बाहर अगर बच्चे निकलते भी हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, देन जा करके ये चीज़ होगी। वरना आप सभी को यार तैयार रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है, अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढील मत करना, क्योंकि अभी ढील कर दोगे तो बहुत बुरा हालत हो जाएगा, फिर आपकी ही टेंशन बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसा मत करना। अपनी ध्यान रखो, ठीक है, जितना बच सकते हो बाहर जाने से बचो, मास्क लगा के रखो, ये सारी चीज़ें अच्छे से करके रखो जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसी तरीके की जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है आप सभी के सामने सबसे पहले मैं ही लेकर के आता हूँ यार। दूसरे चैनलों की तरह फेक न्यूज़ हम लोग नहीं डालते हैं, आप लोग हमारा कंटेंट देख लो और जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।